आपने मुझे लड़ने की चुनौती दी माँ, पर मेरे लिए ये कोई लड़ाई नहीं है, मेरे अपनों की जिंदगी का सवाल है। अब तो कुसुम भी आप पर अंधा विश्वास कर बैठी है, पर मुझे मुझे सरस को सब कुछ बताना होगा। सरस सरस सुनो, मैं तुमसे, अरे तुम मुझे इतनी थकी सी लग रही हो, इधर बैठो सरस, बैठो 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 मैं बिजी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ध्यान नहीं है तुम पर। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि परेशान सी लग रही हो। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा तुम्हें। सरस, हमने हमेशा दूर रहकर ही प्यार किया है, मुझे मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझसे शिकायत होनी चाहिए, पहले की बात और थी, पर अब हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे पे पहले से ज्यादा हक है हमारा। सरस वो बात देखो, नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम मानोगे तो नहीं, पर मैं जानता हूं कि मेरी वजह से उदास होता हूं। I promise कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। सरस उससे भी ज्यादा जरूरी बात, अभी उससे ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं है। तुम अभी तैयार हो जाओ, हम अभी के अभी बाहर जा रहे हैं। नहीं सरस, मैं देखो तुम काम की चिंता बिल्कुल मत करो, कबीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अब मैं छुट्टी ले सकता हूँ, अब चलो। सरस प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी हाँ, बात करनी है। सरस हम करते हैं बात करते हैं, मगर पहले तुम तैयार हो जाओ। से बात तो सुन लो। हाँ, सरस देखो सरस, तुम पहले तैयार हो जाओ फिर बात करेंगे, चलो जल्दी करो। समझ नहीं रहे, मैं तैयार हो रहा हूँ, तुम भी हो जाओ, जल्दी करो। आज पूछेंगी नहीं कि मैं यहाँ कैसे? किसी की अचानक आने की आदत पड़ जाए तो ना वो सरप्राइज लगता है ना शॉक। लेकिन आज मैं आपको शॉक नहीं, एक गुड न्यूज देने आया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बेटे की पहली मीटिंग सक्सेसफुल हुई। मुझे क्यों बधाई दे रहे हो? मैं जो चाहती हूँ वो तो अभी तक हुआ नहीं। आपके बेटे को किसी स्कूल से नहीं, उसके भाई के घर से बाहर निकालना है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। वक्त नहीं है कबीर, डैनी दिन ब दिन कुसुम के प्यार में डूबता ही जा रहा है, और कुमुद हर वक्त मुझ पे नजर रखती है, उसके होते हुए मेरा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मैं कुमुद को ही घर से बाहर ले जाता हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपका काम नहीं हो जाता। कर पाओगे? आपके चेहरे पे ये डर सूट नहीं करता, सूट करता है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस। और हाँ, रेड कलर भी। अब खुलेआम फ्लर्ट करने लगे हो? हाँ, फ्लर्ट का मैं तो सिर्फ आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि जब रेड कलर आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है तो आपका चेहरा और भी खूबसूरत लगता है। बाय। सरस हाँ। सरस मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो देखो देखो, हम साथ में बाहर जा रहे हैं ना, वहीं बात कर लेंगे। नहीं सरस, तुम समझ नहीं रहे हो, प्लीज बहुत सर। अरे तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन है। हाँ, मुझे ओ बात कर रहे हैं, बात करो बात करो बात करो। जय श्री कृष्ण सर, एक मिनट। सरस रुको, सरस मुझे तुमसे बहुत जरूरी। देखो मैं नीचे हॉल में जा रहा हूँ, जैसे ही तुम्हारा फोन खत्म हो जाए वहाँ बात कर लेंगे। अब जल्दी बात करो और जल्दी आओ, चलो जल्दी करो, बाहर जाना है, जल्दी करो। जी सर। कुमुद, तुम क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे होगे, पर उससे भी अर्जेंट काम आया है।
किसी शुभचिंतक ने हमारे स्कूल के बच्चों के लिए पिकनिक का आयोजन किया है। लगभग एक घंटे में बच्चों के साथ हमें निकलना होगा। आज ही जाना होगा? हाँ, वो हैंडीक्राफ्ट का मेला लगा है ना, वो सिर्फ आज ही के दिन है। बच्चों को उसमें मुफ्त एंट्री दी गई है, इसलिए आज ही जाना होगा। बच्चे बहुत खुश हैं और उनके माँ बाप भी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हैंडीक्राफ्ट मेला, वो किसी और टीचर को नहीं भेज सकते क्या? नहीं भेज सकते, क्योंकि सारे बच्चों को दीदी चाहिए और प्रिंसिपल सर को भी दीदी से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं है। दीदी आप घर की चिंता मत करना, मैं हूं ना। और कुसुम के लिए मैं हूं ना कुमुद। सरस प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, जब मैं बाहर चलने के लिए कह रहा था तब तुम बहाने बना रही थी, अब बच्चों के साथ जाने के लिए तुम तुरंत तैयार हो गए। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ सरस, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम समझ। अच्छा बाबा बोलो, क्या बात? बोलो। अरे अब बोलो ना। टीचर जी, स्कूल की बस आ गई है। जा, अगर जल्दी आना। आप चलिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है। देखो मैं 5 मिनट में आई, लेकिन तुम यही रहना, यहां से कहीं मत जाना। ओके टीचर। काश मैं भी इनके स्कूल का स्टूडेंट होता। आई एम इम्प्रेस्ड कबीर, पिकनिक से अच्छा आइडिया नहीं हो सकता था। पर तुम मर्द कितने भी अकलमंद हो, औरतें उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर ही लेती हैं। कुमुद को बाहर लेके जाने के लिए तुमने अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी, पर वो तो पिकनिक चली गई। सोचा था कि पूरा दिन उसका चेहरा आराम से बैठकर देखूंगा, पर अभी तो अपना ही चेहरा देखना पड़ रहा है। क्या टाइम आ गया है ना। हाँ माँ, वो मेरे लिए थोड़ा सा फ्रूट्स काट दोगी? आज ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है मेरा। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक नहीं है? मैं दवाई ले आऊँ? नहीं, मैंने खा ली है, बस थोड़ा सा आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं फ्रूट्स आपके कमरे में ले आऊँगी। कुसुम जी माँ, वो कुमुद कब तक आएगी? पता नहीं माँ, कुछ कह नहीं सकते, शायद थोड़ी देर हो जाए। क्या हुआ अम्मा? कुछ याद आ गया, मैं एक बार डैनी के साथ उसकी स्कूल पिकनिक पे गई थी। उन दिनों लक्ष्मीनंदन बहुत बिजी हुआ करते थे, मैंने कभी कंप्लेन तो नहीं की, बट यू नो व्हाट, हमें सरप्राइज देने के लिए वो अचानक पिकनिक पे आ गए। क्या? उस दिन जो खुशी मिली थी मुझे, मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। पापा जी इतने रोमांटिक हो सकते, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था। अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। चल
थैंक यू, इसकी सख्त जरूरत थी। पर मुझे नहीं लगता इससे भी फ्रेश हो गया। अब मेरा मतलब कि जब से दीदी गई है तब से आपका चेहरा भी उतरा उतरा सा है। क्या करूं, हम दोनों को साथ में बाहर जाना था ना। तो अब क्या बिगड़ा है? दीदी पिकनिक पे गई है, आप उनको डेट पे ले जाओ। मतलब ये कि गाड़ी निकालो और पहुंच जाओ दीदी के पास। नहीं नहीं नहीं, वहाँ सब बच्चे हैं, ठीक नहीं लगेगा। ठीक नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। दीदी को सरप्राइज देने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। अरे सोच कह रहे हो, जल्दी उठो और जाओ दीदी के पास। हाँ वैसे मैंने उसे बहुत दिन से सरप्राइज नहीं दिया, तो जाऊं। थैंक यू।